इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी इंदौर से संजय शुक्ला, जो अब मतगणना केंद्र से वापस जा रहे हैं। क्या हो गया संजय जी, अभी तो नतीजा आया नहीं है लेकिन अब आप जा रहे हैं वापस? जनता का आशीर्वाद प्यार हमने देख लिया है, तो जो हमारे भूषभा भादु लगातार लाख सवा लाख वोट से आगे चल रहे हैं, तो इसलिए हमने उनको बधाई भी दे दी है कि इंदौर का नेतृत्व 5 साल वो करें। हमने हमारी बधाई दी है क्योंकि मैं विधायक भी हूँ, मेरे छोटे भाई भी हैं, तो हम साथ में मिलकर विकास करेंगे। वो जीतते या मैं जीतता तो उनको साथ में लेता, अब वो जीते तो मैं उनके साथ मिल काम करेंगे। इंदौर से जनता ने मुझे आशीर्वाद प्यार जो दिया वो जिंदगी भर ना मिल पाएगा, ना मिला है मुझे और ना मिल पाएगा, तो मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे पूरे परिवार ने, इंदौर के परिवार ने पूरी ताकत से लड़ा और उसकी जीत देखिए। अब 5.5 लाख की जीत को हम 1.25 लाख के ऊपर लिया है, तो इसके लिए इंदौर जनता बताना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी सबक भी देना चाहता हूँ कि आप देख लेना, कभी आपने विकास नहीं करा, ये नहीं करा, तो 2023 चुनाव आने वाला है, उसके पहले ऐसा ना हो कि आपका सुपड़े साफ हो जाए कि जनता ने एक बार फिर आप पे विश्वास किया है, 4 बार तो किया, 5वीं बार फिर कर दिया है और आप अभी नहीं करा तो जिंदगी भर आपको जनता माफ नहीं करेगी। आप जनता के लिए काम करें, जो इंदौर भ्रष्टाचार हो उसको खत्म करें, इंदौर पीली गाड़ी का जो आतंक वो खत्म करें, इंदौर की बस्तियों में जो पानी नहीं आ रहा पानी की व्यवस्था करें, ड्रेनेज की व्यवस्था करें, जो आज जरूरत है क्यों, मैं एक गली के अंदर घूम घूम के आके देखा, मैंने पूरा शहर देखा है, तो उसकी बहुत सख्त जरूरत है। आप अपना विवेक का इस्तेमाल करके काम इंदौर तत्काल करें, ना ऐसा ना हो कि 2023 के अंदर आदरणीय कमलनाथ जी नेतृत्व में सरकार हमारी फिर बन जाएगी, क्योंकि आपके वो जनता ने विश्वास किया, तो उसके लिए आप जो दिल से और ईमानदारी से काम करें। मेरा लेकिन कमी कहाँ रह गई, क्योंकि आपने जिस तरीके से चुनाव लड़ा और आप बहुत जल्दी आप चुनाव प्रचार में उतर गए थे, लंबे समय से आपको पता था कि आपका ही नाम तय होना है, आखिरकार आपका ही नाम तय हुआ, आप तो काफी आगे थे इस रेस में, पब्लिक भी कह रही है, यहाँ तक कि भाजपा के नेता भी ये मान रहे हैं कि आपने तो बहुत पहले से प्रचार भी शुरू कर दिया, तो फिर कमी कहाँ रह गई? अब कमी हमारे जितने परिवार के लोग हम सब बैठ के तय करेंगे, आज भी चुनाव का वो परिणाम आया है, हम कल परसों बैठ के तय करेंगे कि हमसे गलती कहाँ हुई, हमसे चूक क्या हुई, क्योंकि जनता ने हमको आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, तो हम बैठ तय करेंगे फिर विश्लेषण करेंगे। हमने जनता से बात की आज यहीं पे, हम शाम को जनता से बात कर रहे थे, जनता ने कहा कि संजय शुक्ला ने तो दमदारी से चुनाव लड़ा, संजय शुक्ला ने ईमानदारी से चुनाव लड़ा, लेकिन अकेला पड़ गया संजय शुक्ला। मैं अकेला नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रधानमंत्री छोड़ के पार्टी का पूरे नेता, भले मुख्यमंत्री हो या सेंटर, सब आपके सामने थे, मुख्यमंत्री ने 2-3 बार रोड शो किया, सबने आपके सामने किया, भाजपा के प्रत्याशियों के लिए भाजपा के आला कमान के नेता आए, लेकिन आपके सिर्फ नामांकन के दिन, उसके बाद से फिर कोई आया नहीं, आपने अकेले चुनाव लड़ा ये पब्लिक कह रही है। मैंने अकेले लड़ा, मेरे साथ पूरा परिवार था, जिसके साथ पूरा परिवार हो, कांग्रेस कार्यकर्ता हो, इंदौर के नेता साथ में हो, तो मुझे किसी जरूरत नहीं थी, हमने हमारे नेताओं को मना कर दिया कि हमारा पूरा परिवार हमारे साथ चुनाव लड़ रहा है, परंतु भारतीय जनता पार्टी को 20 साल में क्या विकास किया, उनको दिखा दिया कि मुख्यमंत्री को 3-3 बार इंदौर आना पड़ा, शुक्ला 3-3 बार आना पड़ा उनको, देखिए उनके महापौर, उनके विधायक, उनके सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होने के बाद इंदौर शहर में कभी उन्होंने विकास करा होता तो 3 बार आना नहीं पड़ता, क्योंकि आज उन्होंने विकास करने को करा होता तो आज 3 बार वो आते नहीं, तो इसलिए आना पड़ा, वो जनता के सामने भीख मांगना पड़ी, तो जनता ने उनको वोट दिया है, तो 2023 के लिए 1 साल पहले उन्होंने बचा है, वो चुनाव जीत ले तो आपको मुख से बड़ा साफ कर देगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमें सरकार बनने जा रही है। तो नतीजा कब तक आ जाएंगे, आप अभी तो जा रहे हैं, अगर नतीजे करके आ चुके हैं, लास्ट राउंड चल रहा है, कभी 1,20,000 के वोटों से हम पीछे चल रहे हैं, तो कवर नहीं होता है, तो हमने उनको बधाई भी दे दी है। लेकिन आपको लगता है कि अगर आपको थोड़ा और भोपाल से थोड़ा और समर्थन मिल जाता, समर्थन मिल जाता भोपाल से, ईमानदारी की बात मैं बस पूछ रहा हूँ, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा संजय भाई आपसे, क्योंकि भोपाल में तो हम आपसे कई बार मिलते हैं, कल भी आप भोपाल रहोगे, राष्ट्रपति का चुनाव है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर भोपाल से नेताओं का एक साथ और थोड़ा मिल जाता तो थोड़ा बूस्टअप हो जाता, क्योंकि आपने 5.5 लाख की लीड को 1.5 लाख तक तो लेकर के खुद ही आ गए आप अकेले के दम पर? देखिए सबका आशीर्वाद सबका था, मैंने बोला कि हमारे इंदौर के कार्यकर्ता, इंदौर की जनता, हमारा परिवार पूरा हमारे साथ है, हमको जरूरत नहीं है, क्यों आप बाकी जगह देखिए, आज हम जबलपुर जीत गए, ग्वालियर जीत गए, बाकी 4-5 जगह उनमें जाकर वहाँ मेहनत कर जीत गए, परंतु इंदौर तो हम जीत ही रहे थे, परंतु हमसे कहाँ गलती हुई हम तय करेंगे, बाकी हमारे राष्ट्रीय नेता जितने भी थे वो सब इंदौर आने तैयार थे, परंतु हमारे नेताओं ने मना करा कि हम लोग पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, वो देखिए हम सब ने मिलकर पूरे भारतीय जनता पार्टी रोड पर ला दिया, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। बात करने के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। तो ये है कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी इंदौर से संजय शुक्ला, जिन्होंने एमपी तक से अभी खास बातचीत की है, मतगणना केंद्र से संजय शुक्ला अब आखिरकार वापस जा रहे हैं, नतीजे पूरे हुए बिना, क्योंकि संजय शुक्ला ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से लीड अब इस हद तक चली गई है कि यहां से वापस आ पाना कांग्रेस के लिए मुमकिन नहीं है, ऐसे में संजय शुक्ला ने ईमानदारी से यहां पर अपनी पराजय स्वीकार करते हुए मतगणना केंद्र से रवाना हो रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि अभी नतीजे नहीं आए, लेकिन नतीजे से ठीक पहले संजय शुक्ला, जो कि विधायक भी हैं कांग्रेस के और पूरा चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शुक्ला ने इंदौर के बेटे के रूप में लड़ा, और अब आप देखिए भावुक
होकर के आखिरकार संजय शुक्ला यहाँ से जा रहे हैं। आप काफी भावुक भी हैं संजय भाई, आज इंदौर की जनता ने जो प्रेम दिया उसके बाद। उसके लिए जिंदगी भर एहसान मन रहूंगा, क्योंकि जो प्यार मिला वो आज तक नहीं मिला मुझे। आप देख सकते हैं काफी भावुक पल भी है संजय शुक्ला के लिए। और आखिरकार संजय शुक्ला अब मतगणना केंद्र से चले गए हैं, यानी ये मानिए कि अब तय हो गया है कि इंदौर में नया महापौर भारतीय जनता पार्टी से पुष्यमित्र भार्गव होने जा रहे हैं। संजय शुक्ला ने उन्हें बधाई भी दे दी है। बधाई देकर के संजय शुक्ला अब मतगणना केंद्र छोड़कर जा चुके हैं, यानी इंदौर में अब महापौर के लिए जो लड़ाई है वो यहीं पे समाप्त मानी जा रही है, बस आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। कैमरामैन एजाज के साथ एमपी तक के लिए मैं रवीश पाल सिंह।